गाइज आज तो कितना सुहाना दिन है, कोको ने बहुत सारी ट्रेनिंग कर ली है। मैं तो बोलता हूँ अब बीच के ऊपर जाके थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, थकावट लग रही है और आज सूरज कितना सुहाना उगा हुआ है, आज तो मजा आएगा बीच के ऊपर। तो चलो अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो इतना सन्नाटा है, चलो थोड़ा मजा किया जाए। वेट अ सेकंड, वो क्या चीज है ये काला काला, बीच में क्या खुल रहा है? ये कुछ पोर्टल की तरह लगता है, नजदीक जाके देखना पड़ेगा। ये क्या, इसमें से कुछ आवाजें आ रही है। ये क्या, ये तो कोकू ब्लैक की आवाज है। नहीं, अब इस दुनिया में मेरा कहर होगा, सब जगह के ऊपर मैं राज करने वाला हूँ तुम्हारे पावर लेके। ये क्या, अचानक से वेदर चेंज हो गया, ये तो एक झांसा था। सरप्राइज 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 कोकू। नहीं, अब यहाँ पे आत्माओं का राज होगा। इतनी सारी आत्माएं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूरे यूनिवर्स 7 को तबाह करूंगा। मेरी ये आत्माएं सब जगह के ऊपर चली जाए और पता लगाओ कहाँ पे ड्रैगन बॉल्स के सारे हीरो। जाओ आत्मा जाओ। शिनचैन शिनचैन, अरे यार ये बच्चा कहाँ पे चला गया? चौप शिनचैन। गाइस यार स्कूल का समय हो गया है और ऊपर से ये दोनों के दोनों कहाँ पे छुप गए, मेरे को बेवकूफ बना रहे। शिनचैन मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा, तुम लोगों को स्कूल बंक करने का एक भी मौका मैं नहीं देने वाला। गाइस ये लोग पता है एक वीक से मुझे परेशान कर रहे, स्कूल में जा ही नहीं रहे। इनकी स्कूल चालू भी हो चुकी है, बारिश का मौसम खत्म हो गया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बारिश का मौसम चालू हो गया, धूप को मैं आखिरी बार देख लेता हूँ। बाद में मेरे को धूप दिखेगी या नहीं दिखेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस आपके यहाँ पे कितनी जोरदार बारिश हो रही है मुझे नीचे कमेंट में बता दो, ठीक है? और अब यहाँ पे मुझे इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ओए शिनचैन चुप, मजाक मत करो, तुम्हारी स्कूल आने वाली है। गाइस यार कहाँ पे ढूंढू कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब ये क्या भला है? ओए अंकल ये क्या, मेरी गाड़ी को ठोक दिया। अरे बेटा थोड़ी गलती हो गई, माफ कर देना। रुको माफ करना है, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, रुक जाओ। नहीं तो पुलिस का नाम सुन के एक भाग गया। गाइस चलो कोई बात नहीं, अब हम लोगों को ढूंढना यार शिनचैन चौप को, कहाँ पे होंगे यार ये गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे यार शिनचैन ये ठीक है क्या स्कूल बंक करने के लिए? अरे आज मेरा मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन अंकल अंकल मेरे को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे हाँ वो तो है, हम लोग इतने ऊपर छुप गए कैसे ढूंढेंगे यार फ्रैंकल अंकल अपने को। गाइस यहाँ पे खुसर पुसर की आवाज आ रही है, कहाँ पे खुसर खुसर हो रही है, थोड़ा आगे चल के देखता हूँ। अरे ये आ गए शिनचैन। अरे कोई बात नहीं, अपने को देख नहीं पाएंगे। वेट अ सेकंड गाइस, ये क्या, गाड़ी के शीशे के अंदर ये दोनों पकड़े गए। अब इनको बता दो, रुको थोड़ा सा पीछे से जाना पड़ेगा, इनको ऐसा पता लगना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने इन लोगों को देख लिया है। शिनचैन चुप, कहाँ पे हो, मैं तुम लोगों को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे चुप, देखा फ्रैंकल अंकल मेरे को ढूंढ नहीं पा रहे। अरे बढ़िया बढ़िया गाइस, इसके ऊपर तो एक लाइट ठोक दो, आज तो स्कूल बंक होके ही रहेगा। ऐसे कैसे तुम लोगों को स्कूल बंक करने दू, चलो 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 इनको सरप्राइज देते हैं। शिनचैन चुप, तुम लोगों को मैंने पकड़ लिया, चलो स्कूल जाना है। अरे यार आपने पकड़ लिया। अरे हम लोगों को स्कूल में मत जाने दो फ्रैंकल अंकल प्लीज, पहले ही दिन है स्कूल का। अरे आज के दिन छुट्टी देने दो ना यार प्लीज। अरे नहीं चुप, तुम लोग क्या पागल वागल हो गए, तुम लोगों को छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मिलने वाली। और तो यार तुम लोग कितने दिनों से छुट्टी ले रहे हो, एक दिन नहीं तेरा, पांचवा दिन है छुट्टी का। अरे प्लीज मान जाओ। अरे हाँ प्लीज फ्रैंकल अंकल मान जाओ। अरे यार अब ये इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ मैं मान जाता, वैसे तुम लोगों का लग रहा है मैं नहीं मानने वाला। चलो 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 जल्दी नीचे आ जाओ। अरे वो देखो वो क्या चीज है। अब मेरे को बेवकूफ मत बनाना ठीक है, कोई भी यहाँ पे चाल नहीं चलेगी। अरे सच्ची में पीछे तो देखो वो क्या चीज है। गाइस ये पक्का मेरे को कुछ ना कुछ बेवकूफ बना रहे। चलो फिर भी ये यहाँ पे ही है, ये लोग कहाँ पे भागेंगे, एक बार देख ही लेता हूँ। वो चीज क्या है भाई, इतनी ऊपर से क्या आ रहा है भाई, दिख भी नहीं रहा। अरे देखो देखो क्या है, आगे आ जाओ थोड़ा सा। गाइस वैसे वो कोई छोटा बच्चा लगता है। अरे क्या बोल रही हो, छोटा बच्चा, इस एंगल से ये छोटा बच्चा है। फ्रैंकलिन तुम कैसे हो, मैं आ गया, मैं तुम्हारा दोस्त जेनी, मतलब जेनी सामा, जेनी आप यहाँ पे। अरे ये छोटा बच्चा कौन है? अरे गाइस ये बिल्कुल मेरी तरह लगता है, कौन से स्कूल में हो बच्चे? हो बच्चे कौन से स्कूल में हो? अरे ऐसे टट्टी कपड़े कैसे है, बुरा मत मानना, शक्ल भी भद्दी सी है। चौप और शिनचैन तुम लोग मुझे मरवाओगे, ये जेनी है जेनी सामा, ये पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की पावर रखता है। जैसे गोटियों को कैसे हम लोग खेलते है, वैसे ये गोटियों से पूरे धरती को मतलब पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकेगा। तुम लोग मरवाओगे, तुम लोग चुप हो जाओ।
जेनीज आपका स्वागत है, इन लोगों की बातों पे ध्यान मत देना। मैं तो इनके पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तुम एक काम करोगे, ब्लैक गोकू ने गोकू के शरीर को काबू कर लिया है और बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तुम्हें जाके उनको बचाना है। ये बात बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या कहा, गोकू को मार दिया है, लेकिन मैं उनको कैसे बचाऊंगा? बाय द वे, हम लोगों के पास टाइम नहीं, हमें स्कूल में जाना है, ठीक है? ए छोटे बच्चे, जा यहाँ से भाग। अरे वही तो, स्कूल में जाना है, ये छोटा बच्चा हम लोगों को टाइम पास करवा रहा है। प्रिंकल अंकल चलो, लगता है तुम नहीं करना चाहते। मैं जा रहा हूँ, मैं बुरा मान गया हूँ। अरे यार, तुम लोग पागल हो गए। धीनी सामा, धीनी धीनी धीनी, रुको रुको रुको, आप बुरा मत मानना, मैं करने के लिए रेडी हूँ। मैं ब्लैक गोकू को हराऊंगा और गोकू को बचाऊंगा। आपका दोस्त है ना गोकू, ठीक है? आप उन दोनों को ध्यान मत देना। नहीं, टाइम पास कर रहे छोटा बच्चा। अरे वही तो, इसकी चड्डी कहाँ पे? अरे बाप रे बाप, ये दोनों अपनी यूनिवर्स को तबाह करवा के रहेंगे, इससे अच्छा मैं रेडी हो जाता हूँ। ओके, मैं रेडी हूँ जेनी सामा। तो मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, गोकू जैसे दिखने वाले, बन जाओ। ये क्या हो रहा है, ये कौन सी पावर से? ओह माय गॉड, ये क्या बना दिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इन सूट को अपग्रेड कैसे करूँगा? ये है गोकू का ऑनलाइन स्टोर, तुम यहाँ से सूट और पावर्स बाय कर सकते हो। ओके धेनी, मैं चलता हूँ। और हमारा स्कूल? अरे तो छुट्टी है, ये छुट्टी चट्टी वाले ने हम लोगों को छुट्टी दिला दी। अब तो पक्का गाइस, यूनिवर्स 7 मरेगा। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, यूनिवर्स तबाह होने से पहले जाके जल्दी जल्दी ब्लैक गोकू को बचाता हूँ। आउच। उससे पहले एक काम करते हैं, गोकू के दोस्तों के पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। किसके पास जाओ, किसके पास जाओ, पहले एक काम करता हूँ, टाइम कैप्सूल के पास चला जाता हूँ गाइस, वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। चलो चलते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ये लो। ओह, ये क्या चीज है? ये तो कैप्सूल पॉड है, ये मुझे पहुँचाएगा गाइस कैप्सूल टाइम के अंदर। लेट्स गो, फटक से मैं इसके अंदर बैठता हूँ। ये गया मैं अंदर, शुक्रिया धेनी। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, बाय। गोकू को बचाना, नहीं तो मैं यूनिवर्स 7 यानी तुम्हारे यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा। क्या कहा इसने? भाई मैंने गोकू को नहीं बचाया तो हमारा यूनिवर्स तबाह। अरे फ्रिंकल अंकल, मैं पिक्चर देखूं? अरे वही तो, आज तो मैं मस्त मजे करूंगा। देखो देखो, तुम लोग पिक्चर देखो, तब तक मैं चलता हूँ ऊपर। ऊपर ही है हमारा कैप्सूल, लेट्स गो। ये देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, लेट्स गो। अब बस मुझे यहाँ पे लैंडिंग करवानी है। उत्तरे की ये कैप्सूल पॉड तो टूट ही गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे मैं पता लगाऊंगा कि गोकू ब्लैक कहाँ पे, और उसको हरा दूंगा। वेट अ सेकेंड गाइस, ये क्या, ये तो जीरन है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? टोपो, क्या हुआ यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसे बचाओ गाइस। ये किसको बचाने की बात कर रहा है? टोपो, किसके बारे में ये? तुम अंदर जाओ, बचाओ उसे, वजीता खतरे में है, ब्लैक गोकू टाइम चेंबर में चला गया है। अरे यार गाइस, मैं यहाँ पे अपने अपग्रेडेशन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे तो लड़ाई देख के लगते मेरे को लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। चलो, ये है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर, यही पे होगा हमारा वजीता। अंदर तो आ गया हूँ, वो रहा ब्लैक गोकू। तुम मेरे सामने झुकोगे या नहीं? क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा, मैं प्रिंस हूँ समझे, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी टीम में होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, ये क्या, ये काला काला क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर को? मैं तुम्हारी बात मानूंगा आका। ओह नो गाइस, ये क्या हो गया यहाँ पे, ब्लैक गोकू ने ब्लैक वजीता बना दिया। शिट, मैं तुम लोगों को रोकूंगा। वो देखो तुम्हारा पहला शिकार। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वजीता मैं हूँ, फ्रैंकलिन, ये गोकू है, ब्लैक गोकू, इसने गोकू को मारा है। ये मेरे आका है, अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। क्या कहा, मरोगे मतलब? ओ नहीं, तुम यहाँ से निकलो। अब दुनिया पे हमारा राज होगा। मैं मरा, नहीं 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 नहीं, आउच आउच, लग गई, बाप रे बाप, खून कितना बह गया यार। ये वजीता इविल हो गया और ऊपर से गोकू ब्लैक पावरफुल होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे अपनी पावर बढ़ानी ही होगी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं बढ़ाऊं तो बढ़ाऊं कैसे यार, मैं यहाँ पे विलेज में आके पटक गया हूँ। ओ, विलेज से याद आ गया, आजकल मास्टर ऋषि विलेज में ही रहते हैं, क्या हम लोग मास्टर ऋषि से ट्रेनिंग ले सकते हैं? चलो चलो चलो, हम लोगों को मास्टर ऋषि को ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे हो सकते हैं? गाइस मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन मास्टर ऋषि तो मुझे मिल ही नहीं रहे, बहुत से लोगों को भी पूछ लिया मैंने। ओए बच्चे, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मास्टर ऋषि, आप यहाँ पे? हाँ बच्चे, मैं यहाँ पे। ओहो हो गाइस, थोड़ा ध्यान से देखो मास्टर ऋषि की बॉडी। ओ माय गॉड, मेरी बॉडी को नजर लगा रहे हो, मुझे नॉर्मल होना होगा। चलो मैं नॉर्मल हो गया, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो गोकू? मैं गोकू नहीं हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ, ब्लैक गोकू ने गोकू को पकड़ लिया है, इसीलिए
जेनी सामा ने मुझे कुकू बन के कुकू को बचाने के लिए कहा है। ये तो बहुत अजीब और गरीब कहानी लगती है। हाँ वही तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे ट्रेन करो क्योंकि मैं कुकू बन के कुकू को बचाऊंगा। तुम पहले ये कुकू पुराण बंद करो, तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। बस 15 मिनट की ट्रेनिंग दूंगा, चलेगा? नहीं तो मैं जा रहा हूँ। 15 मिनट की ट्रेनिंग? गाइस ओके, वैसे भी अपने को ट्रेनिंग करने के लिए कोई है भी नहीं। ओके चलेगा सर। तो चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ। ओके गाइस, कैसी ट्रेनिंग होगी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग पहुँच गए, ये देखो ये वाले साइड पे बहुत सारे ट्रक से इलीगल ट्रक जो कि मेरे खेत में पार्क की गए है। तुम्हें इनको यहाँ से उठा के यहाँ से थोड़ा दूर एक बंदर खेत है वहाँ पे डाल देना है। यही तुम्हारी ट्रेनिंग है, शुरू हो जाओ। आपने क्या कहा फिर से बोलो? तुम शुरू हो जाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ओके ओके ओके, उठा लेता हूँ। ओके सॉरी सॉरी मास्टर ऋषि, यार ये तो भड़क गए, मुझे ट्रेनिंग को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इसको हिलाऊ कैसे? हिल भी नहीं रहा। एक काम करता हूँ, उठाने की कोशिश करता हूँ। ओहो गाइस, मैं तो भूल ही गया था यार, मैं तो गोकू, मैं नीचे बैठ के इन कार्स को उठा सकता हूँ। देखा, तो मास्टर ऋषि यही चाहते थे। जल्दी करो, 15 मिनट में कंप्लीट करो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मास्टर ऋषि अपने खेत को साफ करने के लिए मुझे ट्रेन कर रहे हैं या मेरा फायदा उठा रहे? आपको क्या लगता है गाइस, मुझे नीचे कमेंट में बताओ। जल्दी करो, मैं जाऊँ यहाँ से। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, भाग भाग के करना पड़ेगा। अरे यार इन गाड़ियों को उठाना भी बहुत मुश्किल है, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बस बहुत ताकतवर हो गया हूँ। आई थिंक यही है वो जगह, ये रहा बंजर खेत। चलो यहाँ पे डाल दी गाड़ी, अब फटाक से दूसरी लाता हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब इसे उठा लेता हूँ, ये उठाई मैंने। चलो 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 चलो, ये रख दी मैंने, नेक्स्ट साल दी यहाँ पे, ये उठाई मैंने, रख दी यहाँ पे। अरे ये थोड़ा पीछे रह गई, कोई बात नहीं। चलो गाइस, अब ये आखिरी बड़ा ट्रक रह गया है। यस मैंने उठा लिया मास्टर ऋषि, लेकिन इससे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं हो रहा। तुम अपना काम करो, 5 मिनट खत्म होने वाले है। अरे यार जल्दी 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 जल्दी, ये रहा मेरा आखिरी ट्रक, कंप्लीटेड। मास्टर ऋषि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन इससे क्या ही मेरी ट्रेनिंग हो गई है? लगता तो नहीं कुछ हुआ है। एक काम करो, कूद के देखो। क्या कहा, कूद के देखो? ओके, ओ भाई कितनी बड़ी जंप थी। यही मैं सिखा रहा था तुम्हें, अब तुम स्ट्रांग हो गए हो, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी है, मैं जा रहा हूँ। क्या जा रहे हो? ये क्या गाइस, यार मास्टर ऋषि तो चले गए, अब हम लोग ट्रेनिंग किससे करें? वेट, मेरे पास एक आइडिया है, जेनी के पास चले गाइस, जेनी हम लोगों को ट्रेन कर सकता है, उसी ने मुझे कुकू बनाया है, वो मुझे और ताकतवर करेगा। हम अपने फुल फॉर्म में आ गए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, लेट्स गो, ब्लू पावर के साथ चलते हैं। भाई कितनी बड़ी जंप लगाई है, सीधा अब मैं जाऊंगा जेनी के पास। फाइनली गाइस हम लोग ऊपर की साइड आ गए हैं, चलो चलते हैं। तुम रुको, कैसे मिलना है तुम्हें? अरे मुझे जेनी से मिलना है। तुम गोगो फ्रैंकलिन हो क्या? हाँ मैं गोगो फ्रैंकलिन हूँ। ओके जा सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे बीस क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम जाओ अपना काम करो। ओके गाइस, ओ भाई ये क्या बोला है, दो दो जेनी। ओ, तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे, आप मुझे ट्रेन करोगे? ओके, मैं वर्तमान का हूँ, मैं फ्यूचर का हूँ। फ्यूचर का? यहाँ पे तो दो दो जेनी है, एक तो यार ये लोग बहुत खतरनाक है, हमारी धरती को ये लोग कैसे तबाह कर देंगे जैसे कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। हमने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है, वीस से पूछो। शुक्रिया जेनी। ये लगता है गाइस इनको पता था कि हम लोग आने वाले। वीस तुम मुझे ट्रेन करने वाले हो? मैं नहीं, वो देखो हमारे आका लॉर्ड गॉड डिस्ट्रॉयर। क्या कहा, द डिस्ट्रॉयर? मतलब ये तो गाइस वही बिल्ली है बीरस। तुमने हमको बिल्ली कहा, अब तुम मरोगे। ट्रेनिंग करनी है ना तुम्हें, आ जाओ। गोकु हरा देना उसे। जी हाँ हरा देना। अरे ये दोनों जेनी को क्या लग रहा है, मैं इसको हराऊंगा? अरे ये सीधा वो फाइटिंग के लिए बोल रहे, कोई बात नहीं आ जाओ बीरस। ए येलो पेल दिया ना मैंने। मैंने तुमसे कहा था मुझे गुस्सा मत दिलाना। आउच आउच, ये बिल्ली यहाँ पे कहाँ से आ गई? अरे बाप रे बाप, ओ ये बिल्ली को गुस्सा आ गया। कायदे एक डिस्ट्रॉयर है, ये भी हमारे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, इसके पास भी वही पावर है। अब मैं क्या करूँ? आउच 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 आउच। तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे हरा दिया? तुम गोकू जितने ताकतवर नहीं हो। सही कहा, मैं गोकू जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन उससे भी कम नहीं हूँ। सॉरी डिस्ट्रॉयर, ये करने के लिए मुझे आपको मानना नहीं था। बहुत बढ़िया, हमारे डिस्ट्रॉयर को हरा दो। बीस तुम मेरे हाथ से मरोगे। बीस को मारोगे? वो मेरी टीम में, इसीलिए। ओ आउच आउच, अब बहुत हो गया। जेनी के लिए मैं मारूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतनी जल्दी मुझे हरा पाओगे? मास्टर ऋषि ने ट्रेन किया है गाइस, सच्ची में गाइस वो ट्रेनिंग काम में आ रही है, क्योंकि गाइस मैं इतना जंप कर करके मार रहा हूँ लिटरली। बीरस भी सोच रहा होगा ये चूहा है। नहीं, मेरा मुंह तोड़ दिया। बहुत बढ़िया कोको। जेनी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं ट्रेन कर पाया।
डिस्ट्रॉयर तो खत्म। बीच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओ गाइस ये क्या, मेरे अकाउंट में $50,000 आ गए। ओ लगता है मुझे जेनिस ने दिए होंगे अपग्रेड करने के लिए। तो काम करता हूँ गाइस, फटाक से मैं यहीं पे खोलता हूँ मेरा गोकू शॉप। ये खोला मैंने गोकू शॉप और 50,000 का गोकू सूट। बाय। ओ वाओ गाइस ये देखो, ये क्या बन गया मैं। भाई साहब मेरी हाइट बढ़ गई। नहीं यार मेरी हाइट नहीं, बाल बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये वाला सूट भी बहुत ही अच्छा है। एक काम करते हैं, जेनिस को शुक्रिया बोल देते हैं। वीश ट्रेनिंग देने के लिए शुक्रिया। ओ, कोई बात नहीं, अच्छा मजा चकाया डिस्ट्रॉयर को। वीश मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लगता है डिस्ट्रॉयर बहुत ही गुस्से में। चलो गोकू। जेनी शुक्रिया। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन गोकू, मैं फ्रैंकलिन गोकू पसंद आया, प्ले गोकू को जरूर हराना। आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही करेंगे। चलो गाइस अर्थ पे चलते हैं, लेट्स गो। अब वहाँ पे देखना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए हमें क्या मिलता है। यार गाइस मैं शहर में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं और ताकतवर कैसे बनूंगा, मुझे और पैसे चाहिए होंगे। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करो। वेट ये क्या, ये व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो चॉप का मैसेज है, इसने कुछ मैसेज फॉरवर्ड किया है। क्या लिखा है, एक रैम चैलेंज है जिसका प्राइस पूल $1,00,000 है। अरे यार ये व्हाट्सएप ने तो मेरी आज जान बचा ली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम कर दी। चलो गाइस फटाफट यहाँ पे अपने को मैसेज तो फॉरवर्ड कर दिया चॉप ने। चॉप ऐसे मैसेज करता रहता है, लेकिन वो पहली बार मेरे लिए काम आया है। चलो फटक से, ज्यादा दूर नहीं ये लोकेशन, उसने लोकेशन भी भेजी है। एक काम करता हूँ लोकेशन चेक करता हूँ। ये खोला GPS, ये देखो बहुत दूर नहीं ये लोकेशन। तो चलो चलो उसके नजदीक पहुंचने वाले GPS देख देख के चलते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। हेलो, मुझे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, मैं भी वो फॉरवर्डेड मैसेज देख के आया हूँ। अरे क्या बोल रहे हो, फॉरवर्डेड मैसेज देख के आते हो, कैसे कैसे खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। उन खिलाड़ी को चांस मिलेगा उसके बाद तुम्हें मिलेगा, थर्ड चांस मिलेगा तुम्हें। और कौन है वो, देखो तुम्हारे पीछे आए हैं। गाइस ये क्या, ये तो बू है और ये ब्रोली है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। नहीं मैं गोकू, तुम मुझे जानते हो, गोकू पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, मारूंगा मैं बहुत तुम्हें। ये तो बहुत गुस्से में लगते हैं। राउंड शुरू करो, जाओ पहले तुम। अब मैं देखो क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे सबसे खतरनाक गाड़ी चूज करूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। गाइस ये क्या यार, ये ब्रोली जात हो रही है, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है ना, मतलब इजी पीजी होने वाला है। ओ ये तो इजी नहीं होने वाला, थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी यार ये तो यहीं पे फंस गई। ये क्या हो गया, मैं तो यहीं पे फंस गई। ओए मोटो अब तो जा। मेरा नाम बू है बू। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं सबसे खतरनाक बाइक चूज करूंगा, ये वाली, और मैं जरूर जीतूंगा। ऑलराइट गाइस, अब ये बू थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन से जा रहा है, आई होप ये जीत जाए। ओ भाई इसने ब्रोली को क्रॉस कर दिया, आई थिंक बू जरूर जीतेगा। बू जरूर जीतेगा, कोई मेरे बीच में नहीं आ सकता, बू के पास ताकत है, ये देखो। मैं हूं बू। ओके गाइस ये पोटू तो यहीं पे गिर गया। हाँ अब तुम्हारी बारी, तुम्हें जाना है नहीं जाना, कैंसिल कर दो मैं राउंड। जाना है जाना है, $1,00,000 मिलेंगे तो क्यों नहीं जाना। मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी चूज कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो कर सकते हो। गाइस अपने को थोड़ी सी बहुत प्यारी और खतरनाक गाड़ी चूज करनी चाहिए। ओके ये देखो गाइस, इसको दांत भी लगे हुए है, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाली ले लेते हैं, ये सबसे खतरनाक है और थोड़ी सी रेस टाइप भी लग रही है। ऑलराइट अब मुझे पता है कि ये लोग कहाँ कहाँ पे ठुके, तो मैं आराम से जा सकता हूँ। अच्छा हुआ मुझे थर्ड मौका मिल गया। ओ भाई ये क्या था, मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, आउच 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 आउच, ठुक गया। बाप रे बाप ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। बस अभी ये क्या है, मैंने तो ये देखा ही नहीं, लिटरली बच गया, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ। मुझे हिसाब से मुझे यहाँ पे आराम से निकलना है। चल जा चल जा चल जा चल जा। अरे नहीं नहीं नहीं, ओके मैंने बू को भी क्रॉस कर दिया है, और ये कूदा मैं और फिनिश। भाई साहब ये तो बहुत इजी था, लेकिन इसको तोड़ना है क्या मेरे को। ऑलराइट ये टूट नहीं रहा, कोई बात नहीं गाइस हम लोग साइड से निकल लेते हैं। और मुझे लगता है इधर फंस गया मैं। अब इसे गोल करना है, और ये मैंने गोल कर दिया। ओके फिनिश, बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे $1,00,000, बहुत अच्छे खेले। शुक्रिया। चलो गाइस मुझे मेरे $1,00,000 मिल गए, अब फटाक से मैं अपग्रेड होता हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये खोला मैंने अपना गोकू शॉप और $1,00,000 का सूट। बाय। वाओ ये क्या है गाइस, ये वाला सूट तो बहुत ही ऑसम है और सुपरमैन की तरह लग रहा है। क्या मैं अब यहाँ पे सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता हूँ। लेट्स गो। आउच आउच आउच, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। मुझे उड़ना है मुझे उड़ना है मुझे उड़ना है। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ओ वाओ मैं उड़ रहा हूँ। आई थिंक
मैंने उड़ा, लग गए, बाप रे बाप। चलो रेस तो कंप्लीट हो गई, पावर्स भी आ गई है, लेकिन हम लोगों को और थोड़ी पावर्स चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कहाँ पे होगा फ्रैंकलिन गोकू? यही पे लोकेशन दिखा रही है, उसको कुछ तो बताना होगा। ये रहा फ्रैंकलिन गोकू, रुको। आउच आउच भाई, जरा आराम से कूदा कर यार। जीरान तू आ गया, ठीक तो है ना अब तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फ्रीजा ने तुम्हारे मास्टर ऋषि को कैद कर लिया है, तो मैं उन्हें बचाना होगा। अरे तो तुम भी जा सकते हो ना, मुझे बहुत ही काम है। तुम लोग मेरी तरफ क्यों आते हो हर बार बचाने के लिए? तो वही करना होगा। मास्टर ऋषि किसके ऋषि है? मास्टर ऋषि किसके ऋषि है? तुम एक कहना चाहते हो क्या, मास्टर किसके मास्टर है? तो ये सवाल का जवाब है, हमारे मास्टर है। तो कौन बचाएगा उन्हें? मुझे ही बचाना पड़ेगा। तो जाओ। लेकिन लोकेशन कहाँ पे, वो तो बताते जा। तुम्हारे यहाँ पे मैंने लोकेशन सेंड कर दी है, जाओ। फ्रीजा को रोको, मैं ब्लैक गोकू को रोकता हूँ। यार गाइस ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मास्टर ऋषि को कैद कर लिया है। अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी पावर्स थोड़ा सा बचा के रखता हूँ, क्योंकि अपने को फ्रीजा से जो लड़ना है, एक के बाद एक मुसीबत आते जा रही है। यार मैं गोकू को बचाने के लिए गोकू बनाऊँ या बाकी सारी काम के लिए गोकू बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, लोकेशन चेक करता हूँ। ये खुला मैंने मैप, अरे ये तो ज्यादा दूर नहीं है, आई थिंक ये कोई तो बंजर जगह है। वेट अ सेकंड, ये तो गाइस वही लैब है जहाँ पे क्रिमिनल्स क्राइम करते रहते, तो हम लोगों को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ फ्रीजा तुम्हें रोकने के लिए। मास्टर ऋषि आपको मैं बचा के रहूंगा, लेट्स गो। गाइस मैं लैब के अंदर तो आ गया हूँ, ये ह्यूमन रिसर्च लैब है, यही पे कहीं पे तो मास्टर ऋषि को छुपा के रखा होगा फ्रीजा ने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे। मैं पूरी जगह ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मास्टर ऋषि का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आखिरी बार देखते, यहाँ पे होने चाहिए। ये क्या, मास्टर ऋषि आप यहाँ पे? सही कहा, मैं यहाँ पे। इनकी आवाज थोड़ी बदली बदली लग रही है, ये असली मास्टर ऋषि नहीं हो सकते। चलो फिर भी इनको लेके चलता हूँ, मैं सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। कैसे हो गोकू? आपको पता है ना मैं गोकू? हाँ मुझे पता है मैं गोकू हूँ। गाइस इससे पता चलता है कि ये नकली मास्टर ऋषि है, क्योंकि मैं फ्रैंकलिन गोकू। चलो मास्टर ऋषि मैंने तो आपको बचा लिया, लेकिन फ्रीजा कहाँ पे? मुझे नहीं पता कहाँ पे। गाइस मुझे तो लगता है यही फ्रीजा है। तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कहा, चलो बाहर चलते। और बाहर जाके मैं बताता हूँ तुझे, बहुत गंदा पेलूंगा, और मैं भी अपना असली रूप तुम्हें दिखाता हूँ। फाइनली गाइस ये समय आ चुका है, तुम नकली हो मास्टर ऋषि। सही कहा, मैं नकली हूँ, लेकिन मुझे पकड़ के देखो और अपने असली मास्टर ऋषि को ढूंढ के दिखाओ। गाइस यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इतने सारे मास्टर ऋषि, अब मैं इनमें से असली को कैसे ढूंढूंगा, मैं क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मास्टर ऋषि को बचाने के लिए। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया। अरे यार मैं असली हूँ, लेकिन ये फ्रीजर ने मेरी बॉडी को फ्रीज कर दिया है, मैं बात भी नहीं कर पा रहा। ये मुझे ढूंढ पाएगा ये नहीं ढूंढ पाएगा, मेरा मुंह तो फ्रीज हो गया है, बस मैं हिल सकता हूँ लेकिन इतना भी नहीं, कैसे पता लगाएगा ये बच्चा? मास्टर ऋषि आप मेरी बात सुन रहे हो? तो ये देखो, कूदो, जंप। बेवकूफ, जंप क्या लगा के रखा है? अरे वो तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये जंप। ये हुई ना बात, इसने कहा जंप, एक बार जंप करता हूँ, मेरा मुंह फ्रीज है लेकिन मेरे पैर तो नहीं। ये देखो वो रहे मास्टर ऋषि, वो ही ले, ये मैंने पकड़ लिया मास्टर ऋषि आपको, चलो। ओए बच्चे ऐसे कैसे पकड़ता है? आप एक काम करो यहीं पे रुको, अब मैं इनको देखता हूँ, नकली मास्टर्स। हाँ येलो येलो येलो, जो कुछ बचे कुचे है उन सब का काम तब मैं करूँगा। येलो, सारे नकली मास्टर खत्म। लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? बाप रे बाप, ये तो फ्रीजा है। मास्टर ऋषि आप कहाँ पे भाग रहे हो? बच्चे तुम उसको खत्म करके आ जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे यार मैंने इनको बचाया, इन्होंने मुझे यहाँ पे पकड़ा दिया इस बेवकूफ छछुंदर के पास। तुमने मुझे छछुंदर कहा? हाँ मैंने कहा। मुझे क्या लग रहा है तू मुझे इतनी जल्दी हरा पाएगा, गाड़ी उठाएगा? आउच आउच, तुझे मैं मार दूंगा। बहुत हो गया गाइस, मुझे इसको पेलना ही पड़ेगा। ये ले हाँ। अरे यार ये फिर से आ गया, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मुझे लगता है मुझे एक अल्टीमेट ब्लास्ट करना पड़ेगा। हाँ। लगता है अब तो हार मान जाएगा। क्या अभी भी जिंदा है? आउच, पत्थर फेंक रहा है बेवकूफ कहका। तुमने मास्टर ऋषि को मुझसे छुड़वा के बहुत बड़ी गड़बड़ की, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको लग रहा है ये मेरे को हरा सकता है। ये ले मेरा फाइनल अटैक। ये ले हाँ। तुम तो गए फ्रीजा। ओ, इसको तो मैंने जला ही दिया। यार मैंने फ्रीजा को तो हरा दिया, लेकिन मास्टर ऋषि तो भाग ही गए, अब मैं क्या करूं? यार मुझे कुछ भी नहीं मिला उनको बचाने के लिए। वेट, ये क्या, मास्टर ऋषि का कॉल? हेलो, हाँ बोलिए। तुमने मुझे बचाया,
इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो। $5,00,000, ओ वाओ, इससे तो मैं सूट अपग्रेड कर पाऊंगा। चलो फटाक से अभी यहाँ पे जाता हूँ, ये खोला मैंने अपना गोकू शॉप और 5,00,000 का सूट, बाय। ओ वाओ गाइस, ये क्या ऑसम सूट है, गोल्डन गोकू, माय गॉड, बहुत सारी पावर्स है। लेकिन यार मुझे तो यार बहुत कंटाला आ गया है, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ट्रेन नहीं आ रही ना, ओके ऑलराइट, चलो अब यहाँ से निकलते, हमें कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। मुझे बहुत प्यास लगी है पानी पीने के लिए। ओके वहाँ पे कुछ शॉप्स दिख रही है सामने, वहाँ पे चलकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बाद में दिमाग अच्छा चलेगा तो कुछ ना कुछ पैसे कमाने का आइडिया आ ही जाएगा और हम गोकू ब्लैक को भी हरा के रहेंगे। चलो चलते थोड़ा वहाँ पे, पानी पी के बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यार पानी ठंडा नहीं था, वही बुरी बात थी। अरे ये क्या, ये कौन आ रहा है? आज तो मुझे बहुत शॉपिंग करनी है, इसीलिए मैं फटाफट शॉपिंग करूंगा, टाइम पास नहीं करता। एक काम करते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, ये रही गाड़ी, चलो चलते हैं। हेलो गोकू, कैसे हो? तुम यहाँ पे? मैं यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने आया था। चलो ट्रॉली लेके मैं अंदर की साइड निकल लेता हूँ, ये रही मेरी ट्रॉली, बहुत शॉपिंग करनी है, चलते हैं। गाइस ये देखो क्या ऑसम कार यार, ये तो बहुत ही महंगी है, अगर मैं इसको बेच के पैसे कमा पाऊ तो। और ये तो हीट की कार है, वैसे वो तो क्रिमिनल है, पैसे लेके लोगों को मारता है पूरी दुनिया भर में, तो हम लोग उसकी कार चुराएंगे और एक अच्छा काम करेंगे तो क्या ही जाता है। चलो गाड़ी का दरवाजा मैंने खोल लिया और ये बेटा, और हीट को पता भी नहीं चला मैंने उसकी गाड़ी चुराई है। लेट्स गो, अब इसको बेचेंगे, चलते हैं डीलरशिप के अंदर, लेट्स गो। ये तो बहुत आसान था, लेकिन वो मेरा पीछा तो नहीं ना कर रहा, मैं खाली फुकड़ का डर रहा हूँ गाइस। नहीं यार वो मेरा पीछा क्यों करेगा, उसको उतना ही काम है, वो शॉपिंग करने के लिए गया है ना। तब तक तो हम लोग इस कार को बेच भी देंगे, लेट्स गो। रुक जाओ गोकू, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हिट, तुम यहाँ पे, आउच आउच, ये तो गाड़ी को तोड़ फोड़ दे रहा है। अबे रुक जा, अरे भाई भाई भाई, उतरो 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 उतरो, गाइस थोड़ी सी आग लग गई। अबे अपनी ही गाड़ी को तोड़ रहा है, तुमने मेरी कार को हाथ कैसे लगाया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। आउच आउच, भाई तू पूरी दुनिया में क्राइम करता रहता है तब कोई कुछ बोलता है, नहीं ना तो यार मैंने बस गाड़ी चुराई है अच्छे काम के लिए, ये ऐसे नहीं मानने वाला यार गाइस। इसको तो अब बताना पड़ेगा, भाई गाड़ी का नंबर प्लेट उड़ा दिया, कोई बात नहीं फिर भी वो गाड़ी बेच सकते, अच्छा हुआ मैं उतर गया, नहीं तो ये गाड़ी को तोड़ फोड़ देता। अब रुको, इसको अब हमारी पावर दिखाते, ये ले का मैं ना मैं। यार ये तो मेरे को पावर भी यूज करने का मौका नहीं दिला, मेरे को लगता है इसको पहले मुझे हराना पड़ेगा। ये ले ये ले ये ले हीट, ये क्या तू मेरी तरह पावर यूज कर रहा है? भाई मैंने तेरे से सीखा है हीट, समझ में आ रहा है, अब ये अटैक होगा। अच्छा का मैं ये तो यूज ही नहीं करने दे रहा यार गाइस। आउच आउच, एक गाड़ी के लिए, अबे तू कितना कंजूस है यार। वो मेरी नानी अम्मा की कार है। अबे तेरी नानी अम्मा की कार हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुझे मारना तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यस लग गया उसको, जिंदा तो है ना भाई। यार ये तो मुझे पेलता जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, दिख भी नहीं रहा, बहुत तेज फाइटर है गाइस ये। कोई बात नहीं, इसको मारने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। आउच आउच आउच, आसमान में उड़ के देता हूँ। लग गई, ये भी फेल, की ब्लास्ट से उसको हराता हूँ, की ब्लास्ट बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। ये ले 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 ये ले, फिर भी नहीं मर रहा, बहुत हो गया, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। हीट तुम ऐसे नहीं मानने वाले, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, मेरी कार, मैं दे दूंगा बाद में उसके पैसे, अभी मुझे जरूरत है इसीलिए, उसका काम निपटा देता हूँ। नहीं पड़ गया, मैं पहले ही बोल रहा था मुझसे पंगा मत लो। मेरी कार, चलो गाइस ये तो रो रहा है, फटक से कार के अंदर जाते हैं और उसको बेच देते, नहीं तो फिर से पीछे पड़ जाएगा। ओके ये रही कार, आई होप ये ठीक ठाक हो, थोड़ी सी जल गई थी। ओके चल रही है, चलो फटक से चलते साइमन के पास, साइमन हम आ रहे हैं, लेट्स गो। चलो हम लोग पहुंच गए, हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट से आए क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया है। हाँ आप लोग जो सोच रहे हो वही है, मैं बिल्डिंग को चीर के अंदर आया हूँ, तो इसीलिए यार थोड़ी सी गाड़ी में डेंट वेंट लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे पैसों के बारे में। और मैंने साइमन को बुला भी लिया था। ओहो ये रहा, बहुत जल्दी है गाइस इसको कार लेने की, मैंने इसको कहा मैं एक सुपर कार लेके आया हूँ। साइमन मुझे ये कार बेचनी है, अपनी कॉल पे बात हुई थी ना? सही कहा तुमने, बात तो हुई थी, सब कुछ डिटेल में देखते हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, थोड़ा सा पैसा कम दूंगा चलेगा, बात हमारी 2 मिलियन की हुई थी, मैं बस 1 मिलियन दूंगा, लेने तो लंच में जा रहा हूँ, बाय। 1 मिलियन, इतनी मुश्किल से मैं गाड़ी लाया हूँ। ओके डन, डील डन। ओके पैसे ट्रांसफर
ट्रांसफर हो जाएंगे। ओ वाओ, पैसे ट्रांसफर भी हो गए, $1 million। तो काम करते गाइस, फटाक से $1 million का सूट परचेज करते। ये खोला मैंने गोकू शॉप, 3, 2, 1, 5। ओ तेरे की, ये क्या बन गया? बेबी ब्रोली, उसकी पावर मेरे पास आ गई। ओ माय गॉड, लगता है पावर ओवरफ्लो हो गई। चलो यहाँ से चलते। यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोकू कहाँ पे? वो रहा, फ्रैंकलिन कोकू, रुको। अरे अब ये किसने आवाज दी? पीकोलो, तुम यहाँ पे? तुम ये क्या बन गए हो? अरे पता नहीं मैं ये क्या बनाऊँ, लेकिन बोलो ना, ये पावरफुल है। बेबी कोकू लगता हूँ मैं, किंग कॉन्ग की तरह। कुछ भी हो जाए, तुम एक चीज बताए, शहर में क्या हो रहा है? कोकू ब्लैक तबाही मचा रहा है, तुम्हें से रोकना है। और सरकार ने प्राइस पूल $2 million भी रखा है। क्या कहा पीकोलो? लेकिन उसने वजीता को भी काला कर दिया है, ब्लैक वजीता बना दिया है उसे। उसे मैं ढूंढ लूंगा, तुम जाओ और जाके उसे रोको। ओके, मैं ब्लैक कोकू को रोकता हूँ, तुम वजीता की लोकेशन बताओ। दोनों के दोनों एक तीर से निशाना ला देंगे। लेट्स गो गाइस। तुम सबका काल आ गया, कोई नहीं मुझे रोक सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। ब्लैक कोकू से डरो तुम लोग, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे बचाओ। उसे नीचे रख दो ब्लैक कोकू। तुम आ गए मम्मी, भागो। ये तो बच गया, लेकिन तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। तुम्हें क्या लगता है, ये वेदर चेंज करके तुम मुझे डरा सकते हो? गाइस इसको लग रहा है ये मुझे डराएगा। कोई बात नहीं, मैं इसे खत्म करूंगा, समझ में आया? ये कहाँ पे चला गया? मैं यहाँ पे हूँ, ये ले। आउच आउच आउच, यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, मुझे इसको कुछ भी करके हराना पड़ेगा। ये ले। तुम मंकी कोकू क्यों बने हो? क्या कहा, इसे मंकी कोकू कहते हैं। भाई बहुत बढ़िया नाम है, मुझे खुद को नहीं पता था मैं बना क्या हूँ। गाइस मंकी कोकू पे उन्हें चैट और एक लाइक ठोक देना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, हम लोगों को पावर्स चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आई नो मैं ये बैटल्स के बीच में बता रहा हूँ, पहले बताना चाहिए था जब टाइम था। गाइस ये सारे चैनल को मैंने रिसेंटली खोला है और यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता हूँ। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है? बस यही अपडेट देना था। ब्लैक कोकू, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है ड्रैगन बॉल के सबसे बड़े बड़े मास्टर के साथ, समझ में आ रहा है? पीरस के साथ, जेनी के साथ, रूशी के साथ, मास्टर रूशी के साथ, समझ में आया? क्या इतनी ताकत कैसे कैसे करती हो तुम? मैं कैसे करता हूँ वो छोड़ो, आउच आउच, तुम कैसे जिंदा बचोगे वो देखो। गाइस मैं मंकी कोकू तो बनाऊ, मेरे पास पावर्स होनी चाहिए, मेरे पास एक पावर है, मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा। मंकी कोकू की पावर के सामने तुम टिक ही नहीं पाओगे। चलो गाइस फुल पावर। ये क्या बन गए तुम? गाइस मैं कुछ बहुत ही बड़ा बन गया हूँ, लेकिन अब मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। ये ले। नहीं, ये पावर बहुत मुश्किल है और तू इसका सामना कर भी नहीं पाएगा। ये मेरा फाइनल अटैक और तेरा काम तमाम। ये ले। नहीं, फाइनली गाइस मैंने इसको हरा ही दिया, उसके लिए मुझे इतना बड़ा बनना पड़ा। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, वदिता का पता लग गया। क्या कहा पिकोलो? वदिता का पता लग गया। चलो गाइस रोकते हैं ब्लैक फ्रीजा को। लेट्स गो गाइस, ये देखो ये रहा ब्लैक फ्रीजा। ब्लैक फ्रीजा तुम हकीकत में असली हो, तुम मुझे रोकने आए हो तो भूल जाओ, मैं ब्लैक कोकू के लिए काम करता हूँ। मैंने ब्लैक कोकू को मार दिया, ऐसी बात है, तुम्हें मैं मजा चकाता हूँ। अरे अरे रुको, तुम लोग झगड़ा मत करो। कोकू तुम यहाँ पे? अरे हाँ मैं यहाँ पे आ गया। अरे ब्लैक कोकू से मैंने तुम्हें बचा लिया, अब ये ब्लैक विजिटर को भाई हराओ तुम। नहीं मैं नहीं, काम तुम्हें दिया है तो पूरा करो, मैं बस तुम्हें ये $2 million देने आया हूँ, ये लो। ओहो, $2 million आ गए, तो चलो हम दोनों मिलके इसको हराते हैं। नहीं हम दोनों मिलके नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे आराम करना है, चलो बाय फ्रैंकलिन। ये क्या था गाइस, ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, अब मैं इसको कैसे हराऊंगा? तुम्हें मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे यार अब ये क्या बला, इसके अंदर से इतनी सारी एनर्जी कहाँ से निकल रही है? अब मुझे हरा के दिखाओ। अरे बाप रे बाप, ये तो एक खूंखार हरिंदा बन गया। ऐसी बात है, मेरे पास भी 2 million है, 2 million का गोकू कॉन्ग बनते। 3, 2, 1 बाय। अब होगी ना लड़ाई बराबर की, आ जाओ। तुमने गोकू कॉन्ग को कैसे अनलॉक किया वो तो बाद में पता चलेगा, आ जा। तो आ जाओ। ये रहा ये, इसको तो मैं छोड़ने से रहा। ये ले। बाप रे बाप, ये तो और ताकतवर होता जा रहा है। तुम्हें मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। आउच, ये मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इससे पहले मैं इसको पेल देता हूँ।
रुक जाओ वजीता, ब्लैक गोको हार चुका है। आउच आउच आउच, को बताना पड़ेगा मैं क्या चीज हूँ। ये ले, तू तो गया। ये क्या? नहीं, इतनी पावर, ये तो कुछ ही नहीं है। एक आखिरी अटैक और मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। ये लो। ये क्या हो गया? मैं कहाँ पे हूँ? मैं थक गया हूँ फ्रैंकली। हाँ, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलो बाय। रुक जाओ यार, गाय थी इस चीज के लिए, इसने मुझे रोकने के लिए कहा था। अरे ले लो यार फ्रैंकलिन, प्लीज, मेरा पैर दुख रहा है। अरे लेकिन कितना मोटा है गाइस, अब इसको लेके मुझे शहर तक जाना है, शहर देखो कितना दूर है। ऑलराइट, और चॉप और शिनचैन घर में आराम से बैठ के मजे कर रहे होंगे, छुट्टियां ले ले होंगे। कोई बात नहीं गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैंने जो आपको चैनल बताए जो कि न्यू चैनल से वो भी चेकआउट करना, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आते रहते। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो जरूर करना, हम लोगों के 3000 फॉलोअर्स होने वाले, हम लोगों को 10000 तक करना है, जल्दी करो जाओ वहाँ पे। मिलेंगे एक और अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।